वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मरुधरा में हुंकार भरेंगे। जालौर के भीनवाल और बांसवाड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। भीनवाल में विजय शंखनाद सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद बांसवाड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बांसवाड़ा के गुरु गोविंद कॉलेज ग्राउंड में सभा होगी और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की जाएगी। तो एक तरफ जालौर सिरोही सीट और दूसरी तरफ बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट, एक तरफ लुम्बाराम चौधरी बनाम वैभव गहलोत और दूसरी तरफ जिस तरीके से मुकाबला बांसवाड़ा के अंदर है उसमें आप कह सकते हैं कि महेंद्रजीत सिंह मालविया बनाम राजकुमार रोत, और यह मुकाबला आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने बीएपी को समर्थन दिया यहां मुकाबला टक्कर का हो सकता है। वहीं जालौर सिरोही में वैभव गहलोत को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। बीता चुनाव उन्होंने जोधपुर से लड़ा था, इस बार वो जालौर सिरोही से किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने एक कार्यकर्ता को टिकट दिया, लुम्बाराम चौधरी, यहां टिकट को बदला गया है। मेरे सहयोगी शिवप्रकाश जुड़ गए हैं। शिवप्रकाश, जरा बताइए प्रधानमंत्री की सभा को लेकर क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके की तैयारियां वहां पर? जी, निश्चित रूप से जिस तरह से यहाँ जालौर सिरोही की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार लुम्बाराम चौधरी को टिकट दिया है, जो एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। हालांकि वह सिरोही प्रधान के रूप में कार्य कर चुके हैं, वहीं वर्तमान में जिला परिषद सदस्य भी है। ऐसे में उनका मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत के साथ है, तो भाजपा ने इसे भी अपनी जो है प्रतिष्ठा का सवाल बनाया है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आम सभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर के अब जो जिस तरह से हम जा रहे हैं, पूरे रास्ते में हमने देखा कि लोगों के आने का जो सिलसिला है वो सुबह से ही शुरू हो गया है और वाहन की लंबी कतारें लगी है। तो कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए जबरदस्त उत्साह लोगों में है और उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को कि एक भारी संख्या में लोग यहां पहुंचेंगे और यह सभा ऐतिहासिक सभा होने वाली है, जो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में सफल होगी। अब हालांकि देखना होगा कि जब नरेंद्र मोदी लगभग 1 बजे यहाँ भीनमाल पहुंचेंगे और उसके बाद वह सभा को संबोधित करेंगे तो किस तरह से किन किन मुद्दों को वह जनता के सामने रखते हैं। हालांकि वह अपने उद्बोधन में यह जरूर कहेंगे कि पिछली बार जोधपुर से जिस तरह से वैभव गहलोत ने चुनाव लड़ा था और वहां गजेंद्र सिंह शेखावत ने लगभग 2.75 लाख वोटों से जीत हासिल की, तो वह यहां भी कुछ इसी प्रकार की जीत हासिल करने का लोगों से अपील करेंगे और देखना होगा कि क्या लोग उनकी बातों को किस तरह से रिएक्ट करते हैं। जी बिल्कुल शिवप्रकाश, आप कह रहे हैं कि जहां भी आप देख रहे हैं वहां लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन पहले फेज के अंदर वोटिंग परसेंटेज में दिखाई नहीं दिया कि जितनी तादाद में संख्या सभाओं में, रैलियों में, रोड शो में नजर आई उतने पोलिंग बूथ पर नजर नहीं आई। आपको लगता है प्रधानमंत्री यहां से भी संदेश दे सकते हैं और बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस पर क्या काम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान के लिए पहुंचाया जाए पोलिंग बूथ अगले चरण में? निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती दोनों ही पार्टियों के लिए है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए तो है, क्योंकि 12 सीटों पर जो प्रदेश में पहले चरण में मतदान हुआ था तो लगभग 55-60% के बीच मतदान हुआ, जो पिछली बार के मुकाबले काफी कम है। जब हमने नाकोड़ा में कल मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली, बूथ अध्यक्षों की बैठक ली, तो उन्होंने कहा कि यह एक परीक्षा की घड़ी है और यदि हम परीक्षा की घड़ी में घर पर सोएंगे तो हम परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। इसलिए बूथ अध्यक्ष को यह जिम्मेदारी लेनी होगी, अल सुबह वह अपने बूथ पर पहुंचे और जो मतदाता हैं उनको सुबह ही मतदान करवाएं और यह प्रण लें कि पहले मतदान और उसके बाद जलपान। अब भाजपा इस बात पर जरूर फोकस करेगी, हो सकता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित करें तो वह भी इस बात का जिक्र करें, क्योंकि लोकतंत्र में मतदान बहुत अधिक आवश्यक है। हालांकि अगर निर्वाचन आयोग की तरफ से बात की जाए तो विभिन्न प्रकार की स्वीप गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं को इसमें अपनी जो है भूमिका निभानी होगी और जब तक लोगों से मनुवार वोट की नहीं की जाएगी तब तक कई लोग घरों से निकलना पसंद नहीं करेंगे। तो अब यह अगली जो दूसरा चरण है, उम्मीद की जा रही है कि यह जो चुनावी चरण होगा उसमें निश्चित रूप से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा और कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की जो भी आला पदाधिकारी है वह प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक मतदान हो, ताकि जो लक्ष्य उन्होंने बनाया है, भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 25 का लक्ष्य बनाया है और कांग्रेस ने भी इस बार पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है, तो दोनों ही पार्टियां पूरा प्रयास करेगी अधिक से अधिक मतदान हो और इसका परिणाम भी देखते हैं 26 अप्रैल को किस तरह से देखने को मिलता है। बिल्कुल शिव प्रकाश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।